एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं या आप एक नए सोर्स ऑफ इनकम की तलाश में हैं, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज या पीएमएस एक अच्छा सोर्स हो सकता है। स्पेशली ये एक वॉल्यूम बिजनेस है जहां पे आप एक बड़ा अमाउंट मोबिलाइज करते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको पीएमएस की सारे पहलुओं से इन्फॉर्म करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि इसके फीचर्स क्या होते हैं, आप ऐसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कैसे पीएमएस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और मैं ये भी बताऊंगा कि क्या आपको पीएमएस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। हेलो एवरीवन, आई एम शोभित, आई एम अ फिनबिज ग्रोथ एक्सपर्ट एंड फाउंडर ऑफ फिनबिज ग्रोथ क्लब। वी आर एन एस्पायरिंग कम्युनिटी ऑफ न्यू एज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हु आर डिटरमाइंड टू चेंज How India is going to invest. So, चलिए सबसे पहले बात करते हैं PMS होते क्या हैं और इनके फीचर्स क्या हैं और आपको PMS क्यों एक बार कंसीडर करना चाहिए। So, अगर आज के डेट में आप देखें तो PMS में 1.35 लाख इन्वेस्टर्स हैं, और एज जैसे जैसे इंडिया की वेल्थ बढ़ रही है, नए मिलेनियल्स आ रहे हैं, इनकम बढ़ रही है, मुझे लगता है ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके डिमांड समय के साथ बढ़ती ही जाएगी। तो आपको पीएमएस के बारे में वेल इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए क्योंकि आप अपने बिजनेस को फ्यूचर रेडी कर सकें। चलिए अब कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं पीएमएस की। तो सेबी का जो रेगुलेशन है उसके अगर आप उसको कंसीडर करें तो जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज है पीएमएस में वो 50 लाख रुपीज की है, और इसको आपका इन्वेस्टर या तो कैश इन्वेस्टमेंट करके या अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी पोर्टफोलियो को देके अपना पीएमएस स्टार्ट कर सकता है, और ये एक मिनिमम हर्डल रेट है जो आपका कस्टमर कमिट करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है। तो ये आपको पहली चीज समझनी है। नाउ आज के डिस्कशन के लिए हम सिर्फ इक्विटी पीएमएस की बात करेंगे क्योंकि डेट पीएमएस मार्केट में उतना ज्यादा मैच्योर नहीं है। जो दूसरी खास बात आप पीएमएस को लेके समझ सकते हैं विज़ अवेस म्यूचुअल फंड, वो ये कि पीएमएस में इन्वेस्टमेंट करने का जो दूसरा रीजन हो सकता है वो ये कि पीएमएस में आपको बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पोर्टफोलियो होता है वो काफी कंसंट्रेटेड होता है, जो रिसर्च और जो एबिलिटी है स्टॉक पिकिंग की वो काफी फास्ट होती है फंड मैनेजर द्वारा। तो प्रोबेबिलिटी ये होती है कि क्योंकि ये कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है और यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो आपका फंड मैनेजर आपको एक बेटर रिटर्न्स दे पाएगा। तो ये भी एक अंडरस्टैंडिंग आपको बना के रखनी है। जो रेस्ट्रिक्शन की मैं बात कर रहा था आपको, आप उसको ऐसे समझना है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका फंड मैनेजर किसी एक स्टॉक में 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता या किसी सेक्टर में 25% से ज्यादा नहीं कर सकता। लेकिन पीएमएस में ऐसी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपका फंड मैनेजर किसी एक स्टॉक में कितने भी परसेंट इन्वेस्टमेंट कर सकता है, किसी सेक्टर में कितने भी एक्शन तक जा सकता है। सो अगर एक कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाता है तो चांसेस ज्यादा है कि वहां पे आपको एक बेटर रिटर्न डिलीवर कर पाएगा। अगर ऑपरेशनल एस्पेक्ट की बात करें तो अगर आपका कस्टमर पीएमएस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसके सारे स्टॉक्स जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है फंड मैनेजर, वो सारे इंडिविजुअल कस्टमर के डीमैट अकाउंट में होते हैं, और जो बाइंग एंड सेलिंग है वो उनके थ्रू ही की जाती है। वेयर एज आप म्यूचुअल फंड में देखें जो पोर्टफोलियो में बाइंग एंड सेलिंग है वो फंड मैनेजर के द्वारा होती है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो पीएमएस में अकाउंटेबिलिटी और ज्यादा है, ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा है, क्योंकि जो भी स्टॉक खरीद बेच रहा है वो फंड मैनेजर क्लाइंट को डिस्कस करके बताता है, अपना रैशनल डिसीजन देता है, और उसकी वजह से ही बाइंग सेलिंग होती है। तो ये भी एक एस्पेक्ट है जो पीएमएस में आपको मिल सकता है, जो आपको म्यूचुअल फंड में नहीं होता, और इसकी वजह से क्योंकि ये जो सारे स्टॉक्स हैं वो इंडिविजुअल के ओन डीमैट अकाउंट में होते हैं, तो जो भी कैश फ्लो बनता है, मतलब जो भी डिविडेंड्स कंपनियां डिक्लेयर करती हैं जिस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हुआ है वो कस्टमर के अकाउंट में ही जाता है। सो ये भी एक बेनिफिट है जो आपको म्यूचुअल फंड में नहीं दिखती है, और इसको भी आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। चलिए अब तीसरे एस्पेक्ट की बात करते हैं, वो है
चार्जेस, खर्चा कितना होता है, इसको एक बार समझते हैं। तो अगर आप पीएमएस की बात करें तो पीएमएस में जनरली दो टाइप के चार्जेस हैं जो आपके कस्टमर को देने पड़ते हैं। पहला तो है ये, एक तो फ्लैट फीस जो है जो पीएमएस कंपनियां चार्ज करती हैं, वो 2% हो सकता है, 2.5% हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड, डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस, या परफॉर्मेंस बेस्ड हो सकता है। तो एक मिनिमम चार्जेस पहले चार्ज करते हैं, उसके बाद एक हर्डल रेट रख लेते हैं, सपोज वो 9% का है या 12% का है या 20% का है, और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा एडिशनल रिटर्न पोर्टफोलियो का जनरेट होता है उसका कुछ परसेंटेज वो अपने चार्जेस में काउंट करते हैं। सो दो तरीके के फीस बेस्ड हैं। इसके अलावा आपको ये भी समझना है कि जो भी स्टॉक्स आपका फंड मैनेजर बाई और सेल कर रहा है उसकी ब्रोकरेज भी इन्वेस्टर को ही देनी पड़ती है क्योंकि वो उनके डीमैट अकाउंट में है। तो ये जो चार्जेस हैं आपको ये समझना है। जो चौथी चीज और जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टैक्सेशन। जो टैक्सेशन है म्यूचुअल फंड में और पीएमएस में, दोनों में काफी डिफरेंस है और आपको इसको समझना चाहिए। पीएमएस में कभी भी स्टॉक बाइंग और सेलिंग हो रही है वो इंडिविजुअल के अकाउंट से हो रही है, तो जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है वो कस्टमर को हर पीरियड में जब भी ट्रांजेक्शन हुआ उसके अकॉर्डिंगली देना पड़ता है और ये कस्टमर को ध्यान में रखना है। वेयर एज आपके म्यूचुअल फंड में वेदर का आपके फंड मैनेजर ने शॉर्ट टर्म में खरीदा या बेचा या लॉन्ग टर्म में खरीदा या बेचा, आपको टैक्सेशन का इश्यू तभी आएगा जब आप अपने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहे हैं, अदरवाइज आपको कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती। वेयर एज आपके पीएमएस में अगर आपके फंड मैनेजर ने कोई स्टॉक 365 दिन से पहले बेचा तो और अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर में टैक्स देना पड़ेगा। सो ये सारी चीजें हैं पीएमएस में जो आपको डीप डाउन समझनी चाहिए ताकि आप एक बेटर एडवाइस कर सके रिगार्डिंग पीएमएस इन्वेस्टमेंट्स। अब मुझे लगता है कि अभी आपको काफी क्लियरिटी आई होगी। चलिए अब नेक्स्ट पहलू को सर्च करते हैं कि अगर एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आप पीएमएस को सेल करना चाहते हैं, अपने कस्टमर को इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज की तरह देना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है और क्या कंसिडरेशन करनी है। जो सबसे पहली चीज दोस्तों आपको ध्यान रखनी है वो ये कि अगर आप पीएमएस का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नाउ सेबी ने रेगुलेशन ले आए हैं को एनआईएसएम के 21A सर्टिफिकेशन, जो कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन को क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप पीएमएस को अपने कस्टमर को एडवाइस कर सकते हैं फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये आपको ध्यान रखना है और इसके लिए आप अगर आपका एआरएन वैलिड है तो अभी तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन जब भी आपका एआरएन का रिन्यूअल आता है तो आपको ये भी सर्टिफिकेशन करना है ताकि आप पीएमएस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें ऑफिशियली और आप रेवेन्यू जनरेट कर सकें। जो दूसरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये कि राइट पीएमएस सेलेक्ट करना अपने कस्टमर के लिए एक हेल ऑफ अ टास्क है। अगर आप म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें तो म्यूचुअल फंड में काफी स्टैंडर्डाइजेशन है, मतलब आपको पता है लार्ज कैप फंड में कहां इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप फंड में कहां है, और आपका कंपेरिजन काफी ईजी हो जाता है। Whereas, अगर आप पीएमएस को देखें तो यहाँ पे कोई सेट बेंचमार्क्स नहीं है, कोई सेट रूल्स नहीं है, कोई जो पीएमएस है वो अकॉर्डिंगली थीम अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्टिव मूव अराउंड करते हैं, तो एग्जैक्ट पीयर टू पीयर कंपैरिजन करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है और फिर आप एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सही पीएमएस स्कीम अपने कस्टमर के लिए सेलेक्ट कर सकें ये भी एक काफी डिफिकल्ट टास्क है और आपको इसके लिए काफी रिसर्च करना चाहिए और करना पड़ सकता है। मैं आपको एक रिसोर्स जो मैं आपको चाहूंगा कि आप उसको कंसीडर करें वो है पीएमएस बाजार। पीएमएस बाजार एक वेबसाइट है जहां पे आप सारे पीएमएस और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के डिटेल्स डीप डाउन देख सकते हैं और मैं चाहता हूं कि आप जरूर उनको देखें। उनकी मंथली बुकलेट भी आती है जहां पे आपको सारे पीएमएसएस के परफॉर्मेंस, उनके चार्जेस और बाकी सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, तो वो भी आपको कंसीडर करना चाहिए।
पीएमएस में पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर भी मैंडेटरी नहीं है दोस्तों, परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर भी मैंडेटरी नहीं है, तो आपको कई सारे टाइम एक ब्लाइंड शूटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ऑफिशियली रेगुलेटर ने ऐसा कोई प्रोविजन नहीं डाला है कि उनको अपने पोर्टफोलियो को डिस्क्लोजर करना है पब्लिक डोमेन में, या उनको परफॉर्मेंस या उनका कितना एसेट मैनेज कर रहे हैं वगैरह वगैरह। सो ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना है, और मैं चाहता हूं कि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लें। अगर आप पीएमएस डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो जो सबसे पहला तरीका वो ये कि आप इंडिविजुअल पीएमएस कंपनी को कॉन्टेक्ट करें और उनके साथ रजिस्टर हो, और फिर आप पीएमएस को डिस्ट्रीब्यूट करें। जो दूसरा तरीका, आप किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म लाइक पीएमएस बाजार के साथ रजिस्टर हो जाएं और फिर आप किसी भी पीएमएस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो ये भी एक तरीका है, आप अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। चलिए अब लास्ट एस्पेक्ट को कवर करते हैं, क्या आपको पीएमएस डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए या नहीं। ना मुझे लगता है कि ये एक नेचुरल इवॉल्वमेंट है आपका एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि आपका कस्टमर की वेल्थ जर्नी जैसे जैसे इंक्रीज होगी, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी लुकिंग एट सम डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट। और मुझे लगता है पीएमएस एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है, या अच्छा एक इवॉल्वमेंट हो सकता है आपके कस्टमर के इन्वेस्टमेंट जर्नी में। सो आपको जरूर पीएमएस कंसिडर करना चाहिए, लेकिन प्री मैच्योरली अपने कस्टमर को पीएमएस ना दें। अगर आपका क्लाइंट मैच्योर इनफ है, उसका पोर्टफोलियो का साइज अच्छा है, क्योंकि मिनिमम इन्वेस्टमेंट पीएमएस में 50 लाख रुपीज का है, देन डाइवर्सिफिकेशन का सेंस बनता है। और जैसा मैंने आपको कहा पीएमएस सिलेक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी उतनी नहीं है, डाटा उतना अवेलेबल नहीं होता है। तो आपको एक अच्छा वेल रिसर्च करके अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। सो आई होप मैंने आपको कुछ नए आइडियाज, नए डायमेंशन दिए होंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस को लेके। आप होप इस वर्टिकल को भी जरूर कंसीडर करेंगे अपने बिजनेस में ऐड करने के लिए, ताकि आपका बिजनेस और ग्रो हो सके, आप अपने कस्टमर को कुछ नया प्रोडक्ट दे पाए और आपके बिजनेस को एक नया डायमेंशन मिल पाए। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो, अगर ये आपके लिए यूजफुल हो, तो मैं चाहता हूं आप हमें थम्स अप दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे कंटेंट फ्यूचर में भी ला पाए। वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ।